मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने आज सुबह 11 बजे पोहरी विधानसभा क्षेत्र के सिद्धस्थल पवा की रिम्पी नदी पर जलमग्नीय पुल के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी द्वारा पुल बनने के फायदे के बारे में विस्तार से सभी को बताया गया। आपको बता दें कि इस पुल के निर्माण कार्य की लागत राशि 5,46,16,000 रूपये है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने बताया कि इस पुल का निर्माण होना कितना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पुल के एक तरफ कोलारस विधानसभा का क्षेत्र है तो दूसरी तरफ पोहरी विधानसभा का क्षेत्र है और यहीं पर राजस्थान बॉर्डर भी आती है। ऐसे में राजस्थान से आने वाले लोगों को आवागमन में अब परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। साथ ही यहां रह रहे निवासियों को भी काफी सुविधा का लाभ होगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान रहवासी मंत्री के पक्ष में नारे लगाते हुए नजर आए। भूमि पूजन के इस कार्यक्रम के दौरान समस्त क्षेत्र के रहवासी कार्यकर्ता एवं जनसेवक उपस्थित रहे। आज आपने जो पुल का भूमि पूजन किया, क्या कहना चाहोगे? आज मैंने पवा स्थान पर इस पुल का भूमि पूजन किया है जिसकी लागत 5,46,16,000 रुपये है। मेरे मन में बहुत दिनों से सोचता था मैं कि मेरे क्षेत्र का ये पवा स्थान है और यहाँ से दो विधानसभाओं को जुड़ाव होता है। कोलारस विधानसभा का क्षेत्र उधर है और पोहरी विधानसभा का इधर है ये, और तीसरा हमारा राजस्थान बॉर्डर यहाँ से लगा हुआ है, तो राजस्थान से आवागमन हमारे पोहरी के लिए होगी, क्षेत्र की जनता के लिए बहुत सुविधा होगी। इस प्रकार से रोड बहुत महत्वपूर्ण रोड थी और महत्वपूर्ण जो पुल था, इसमें 3 किलोमीटर रोड हम राठखेड़ा तक बनाएंगे, 2.5 किलोमीटर हम बसई तक बनाएंगे और ये पुल को बना के हम जनता के सुपुर्द बहुत जल्दी से जल्दी हम काम करेंगे।